हेलो दोस्त, आप सभी को अपना चैनल रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मैं हूँ सनीदेव कुमार। आज आप लोग को बताने मौत का उत्कर्ष, अगले वीडियो में हम बताए थे हरेक वंश 16 भाजन पद आप लोग को बता दिए थे। आज हम आप लोग को बताएंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कहते हैं किसको, ये आप लोग को आज हम बताएंगे। अगले वीडियो में बता चुके थे हरेक वंश। देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग वंश ही है, यानी कि शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था शिशुनाग वंश में ही किया था। इसकी राजधानी वैशाली में था। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ में था तो आपको राजधानी में था। राजधानी कहाँ में था तो आपको वैशाली में था। शिशुनाग ने औरत अवंती को मगध में मिला रही है। पूछेगा कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था तो आपको शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। क्या क्या था, मगध में मिला लिया था। इसके बाद दोस्तों आपको काला शोक आता है। इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले आया। पूछेगा कि काला शोक ने क्या किया तो इसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। क्या किया, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी को वापस ले आया। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। पूछेगा कि कालाशोक के समय किस सभा का आयोजन किया गया तो बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था तो आपको नंदीवर्मन था। अब आप लोग आइए नंदवंश का संस्थापक महापद्मन था। नंदवंश का संस्थापक कौन था, आपको महापद्मन था। भारत का प्रथम शासक जिसने एकरात की उपाधि धारण किया था। पुराणों में महापद्मन को पशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, पुराणों में महापद्मन को पशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। इसने कलिंग जीता। इसने कलिंग से जैन जिनसेन की मूर्ति को मगध लाया। पूछेगा कि इसने कलिंग जीता। इसने कलिंग से जैन जिसने की मूर्ति को मगध लाया। कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई। पूछेगा कलिंग ने क्या किया तो कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई। परमार हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। फिर पूछेगा दोस्तों कि धारानंद का अंतिम शासक कौन था तो आपको धारानंद था। सो आपको शिशुनाग नंदवंश का अंतिम शासक कौन था तो आपको धारानंद था। सिकंदर का आक्रमण 326 BC, इसके टॉपिक अगला लेके आएंगे सिकंदर का आक्रमण। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था तो आपको महापद्मन था। पूछेगा कि भारत का प्रथम शासक जिसने एकरात की उपाधि धारण किया था तो वो शासक कौन था तो आपको महापद्मन था। पूछेगा कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था तो आपको धारानंद था। पूछेगा दोस्तों कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था तो आपको नंदीवर्मन था। पूछेगा कालाशोक ने किस राजधानी को पुनः वापस लाया था तो पाटलिपुत्र को पुनः वापस ले आया था। किसने तो दोस्तों कालाशोक ने लाया था। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। पूछेगा कि शिशुनाग ने क्या किया था तो अवंती को मगध में मिलाया था। दोस्तों एक क्वेश्चन NTPC रेलवे ग्रुप डी में पूछता है। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे सिकंदर का आक्रमण, इसके बारे में हम